जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ इकबाल और आप लोग देखते हैं हार और टेक। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है यही है कि जी हम हार और जो है वो विजिट करने जा रहे हैं। तो अभी मैं निकल पड़ रहा हूँ अपने फ्लैट से। ये मैं रह रहा हूँ ठोकर न्याज बेग की साइड पे। तो यहाँ से जो है मैं निकल रहा हूँ किनार रोड के थ्रू, मैं हार रोड पहुँचने लगा। तो किनार रोड जो है वो सबसे इजीएस्ट वे मुझे किनार रोड यहाँ से जो है हार रोड को लिंक करता है। एक और रोड भी है जो कि मुल्तान रोड है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से मुझे बड़े मसले हो जाते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ यार मैं हार रोड की तरफ से जाऊँ, ईजी रहता है। एक दफ़ा बंदा जो आ जाए किनार रोड के ऊपर आ जाए तो फिर ज़्यादा कोई रश नहीं होता, आपको जो है वो ईजीली आप पहुँच जाते हो। तो ये अंडर पास की वजह से गुजर रहा हूँ मुस्लिम टाउन अंडर पास, ठीक है। चार से पाँच अंडर पास आते कभी मैंने वैसे गिना नहीं, जितने भी आते। आप लोग कमेंट में बता देना कि ठोकर न्याज बेग में, ठोकर न्याज बेग से लेके इधर हार रोड तक कितने आते हैं अंडर पास। मार रोड वाली साइड से मैं जाने लगा हूँ यहाँ से ठोकर न्याज बेग, ठोकर न्याज बेग यहाँ से किनार रोड, और किनार रोड से फिर मार रोड पहुँचूँगा, मार रोड से फिर मैं हार रोड पहुँचूँगा। तो ये स्टेप है। तो क्वेश्चन पहला ये है कि हम हार रोड चीज़ें बाय करने क्यों जा रहे हैं? अगर हर चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन, अगर वेबसाइट्स आ गई हुई हैं, सारी शॉप्स हैं वो वेबसाइट्स के थ्रू सेल कर रही हैं, तो फिर हमें वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका पहला जो आंसर है इस क्वेश्चन का कि वो ये हार रोड के सारे लोग जो है ना वो ऑनलाइन ही असल में बैठे हुए, दो से तीन शॉप हैं, तीन से पाँच हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो ऑफलाइन बैठे हैं। आपको कोई भी प्रोजेक्ट है, आपका कोई भी मसला है, ठीक है, तो वो आपको फिजिकली ही जाके लोगों से मिलना पड़ेगा, वो इसके बगैर जो है ना पॉसिबल नहीं है कि वो हल हो सके ऑनलाइन, ठीक है। अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर तो आपको स्टैक ओवरफ्लो से ही हेल्प मिल जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में आपको हेल्प लेने के लिए आपको फिजिकली लोगों के पास जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, ठीक है। ये अभी हम मार रोड के ऊपर पहुँच गए हुए हैं और चैरिंग क्रॉस क्रॉस कर लिए, टीडो को भी क्रॉस कर लिया हमने, और मार रोड के ऊपर ही यानी हमें तकरीबन कोई इतना रश नहीं मिलेगा। लेकिन सिक्योरिटी वगैरह का इशू काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, हेलमेट और मास्क के बगैर अगर आप जाएंगे तो आपका चलान भी हो सकता है। तो ये मैं पहुँच गया हूँ जी हार रोड के पास, बिल्कुल इससे पहले ये इशारा है सिग्नल। तो ये राइट साइड पर मेरे अब जो है वो हार रोड आ गया, सही। तो ये मेरा जो चैनल का नाम है हार रोड टेक, वो इसी हार रोड बाज़ार की वजह से लिया गया है। मैं क्योंकि हर टाइम अक्सर मेरा टाइम जो है वो इधर गुजरता है, जब भी मुझे कोई मसला आता है या मैंने कोई चीज़ बाय करनी है या मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो मेरा ज़्यादातर टाइम जो है वो हार रोड में ही गुजरता है। तो ये मेन बाज़ार है हार रोड का। एक साइड पर जो है वो मोबाइल की शॉप्स हैं, दूसरी साइड पर जो है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स हैं, ठीक है। मैं तो ज़्यादातर क्योंकि इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स वगैरह बाय करने होते हैं या उसके पार्ट्स बाय करने होते हैं, तो मैं इसलिए आता हूँ। तो यहाँ पे जो है और भी लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये पंजाब मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, जिनका काफ़ी बड़ा बैनर लगा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, कोई भी स्किल आप सीखना चाहते हैं, तो आपको होपफुली यहाँ से कोई ना कोई लोग मिल जाएंगे जो आपको सिखा सकेंगे। लेकिन कोशिश करें कि ऑनलाइन सीखने की कोशिश करें, लेकिन अगर जो चीज़ें ऑनलाइन सीखी नहीं जा सकती जिस तरह ये मोबाइल रिपेयरिंग है, उसके लिए आपको कोई ना कोई टीचर चाहिए, तो आप जो है वो हार उड़ा के इन लोगों से रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीखनी है या आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है आर्डिनो रेसबरी पाई की, तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे रब्ता कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के एंड पर भी अवेलेबल है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो ये चीज़ें सिखा भी दूंगा, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें आपकी हेल्प भी कर दूंगा, मैं प्रोजेक्ट वगैरह बनाता भी रहता हूँ, ठीक है। तो अभी हम तकरीबन ये एंटर होने वाले हैं हार रोड की मेन मार्केट के अंदर। तो मैं मेनली मैं जिस रोड से गुजरता हूँ मैं उसी का आपको रास्ता बता रहा हूँ। पार्किंग में बाइक वगैरह लगाने के बाद इस गली के थ्रू जो है ना वो मैं मेन मार्केट के अंदर, मेन बाज़ार के अंदर एंटर हो जाता हूँ। मेन बाज़ार किस जगह पर है, वो है जी ये फवारा चौक। अगर आप ये हार रोड में फवारे के पास पहुँच जाते हैं तो आप इसका मतलब है मेन जगह पर आ गए, ठीक है। नहीं जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हुए हैं हार रोड मेन फवारा चौक के पास। अगर मैं इस साइड पे देखें तो फवारा है, ठीक है जी। तो अभी जो फर्स्ट शॉप है जो हमने विजिट करनी है वो है आईसी शॉप, दी आईसी शॉप, सबसे पुरानी शॉप में से एक शॉप है ये हार रोड के ऊपर। आप स्टूडेंट हैं या आप प्रोफेशनल हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी
आईसी चाहिए, आपको आर्डिनो रसबरी पाई या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई स्टफ चाहिए, ठीक है, आपको इवन कोई मशवरे चाहिए, खैर मशवरा तो पता नहीं है देंगे कि ना देंगे, लेकिन यहाँ से आपको कह लें कि बेसिक जितने भी कंट्रोलर्स माइक्रो कंट्रोलर सारी चीज़ें इस तरह की मिल जाएंगी। तो अब चलते हैं हम दूसरी शॉप जो है वो है जी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रो, और ये मेरी फेवरेट शॉप है, सबसे ज़्यादा अभी तक मैं सामान इन लोगों से ले चुका हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आमिर भाई जो है वो सीईओ है इस शॉप के, और मैक्सिमम टाइम पे जो है ना मैं यहीं से चीज़ें बाय कर रहा होता हूँ। तो बिल्कुल फवारे के सामने ही है ये शॉप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रो, इनकी वेबसाइट भी अवेलेबल है, आप वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपने बाय करनी है। तो ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इनके पास आर्डिनो रसबरी पाई, ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल सामने ये फवारा है, फवारा चौक के बिल्कुल सामने कह लो, एन अकब में, एन बगल में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रो मौजूद है। आपने कोई भी चीज़ बाय करनी है, इनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करें, और डिलीवरी बड़ी क्विक है इनकी, मैक्सिमम यूटी वगैरह दिस द डेट सारे यहाँ से बाय कर रहे होते हैं। तो अब हम तीसरे नंबर पे चलेंगे हारोडोर की तरफ, जो कि तीसरी शॉप है, ठीक है, वो है जी काजी सेंटर में। तो काजी सेंटर की तरफ अभी मैं जा रहा हूँ, काजी सेंटर थोड़ा सा दूर है मेन मार्केट से, फवारा चौक से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सफर करते हुए उस साइड पे जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप अगर हार रोड आते हैं तो ये तीन शॉप्स हैं मेन, जहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जी सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं अपनी मर्जी की। मेरा फेसबुक पेज भी है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट डिस्कशन के नाम से, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फंस गए और मुश्किल लेना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपना मेरा व्हाट्सएप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और मैक्सिमम कोशिश करें कि आपको जो भी हेल्प चाहिए आप ऑनलाइन लें, हार रोड के ऊपर आपको कोई भी मैक्सिमम इस तरह हेल्प नहीं करेगा आपके प्रोजेक्ट में, वरना आप मुझसे रब्ता कर लें। मैं भी हार रोड में, मेरी कोई शॉप तो नहीं है, खैर मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ, पाइथन डेवलपर और रेस्बरी पाई एक्सपर्ट और डिनो एक्सपर्ट, तो मुझे मिलने के लिए आपको फिर आना पड़ेगा ठोकर न्याज बेग के ऊपर, ठीक है। अभी हम पहुंच गए जी काजी सेंटर, काजी सेंटर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो डीजी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से बैठे हैं या हार रोड और के नाम से बैठे हैं। चलते हैं ऊपर, तो क्योंकि मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ तो मुझे तकरीबन यहाँ के मेन शॉप का पता है, कॉन्टेक्ट मेरे पास हैं जिनसे जो है मुझे अक्सर हेल्प मिल जाती है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो मैं तो अवेलेबल हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना इशू बताएं, मैं होपफुली कोशिश करूँगा कि आपको कोई ना कोई सजेशन दे दूँ। अगर आप पूरा प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं आप भी रब्ता कर लें, ठीक है, तो हम उसको भी देख लेंगे कि हम उसको किस तरह कम्प्लीट कर सकते हैं। तो ये अभी मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुँच चुका हूँ और ये मैं डीजी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास पहुँच गया हूँ, ये डीजी लॉक इनका बोर्ड लगा हुआ है, और ऑनलाइन जो इनकी प्रेजेंस है वो है जी www.haro.org के नाम पे। तो मैक्सिमम टाइम पे जब भी आप कोई इक्विपमेंट सर्च करते हैं कि पाकिस्तान में उसकी क्या प्राइस है तो ये वेबसाइट आपके सामने आ रही होगी, या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रो की आ रही होगी, या ये वेबसाइट्स आ रही होगी, ठीक है। तो मेन कह लें कि ये जब ये ऑनलाइन नहीं भी थी, ठीक है, मैं तब भी इन लोगों को जानता था, तब भी मैं इन लोगों से चीज़ें बाय कर रहा था, आर्डिनो रसबरी पाई के जब मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा था तो इन लोगों से अक्सर मेरा जो है वो मैं इन लोगों से चीज़ें खरीद रहा होता था, यानी इन लोगों से मेरा वास्ता पड़ता था। तो एक दफ़ा आपको अंदर से शॉप भी दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले कि अंदर इनके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल हैं। ये इरफान भाई बैठे हुए हैं, टॉप एक्सपर्ट हैं, आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे खैर मना कर दिया था कि बिना वजह यहाँ पे आज कोई हेल्प ना ले, ऑनलाइन ही हेल्प लेने की आप लोगों ने कोशिश करनी। तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ये छोटा सा टूर था, जल्दी जल्दी मैंने इसे वाइंड अप किया, सुबह टाइम में आया था और रात पड़ गया, मुझे सिर्फ इतना सी चीज़ें आपको दिखाने हैं। तो तीन शॉप्स हैं उनको मैंने आपको दिखा दिया, इनकी तीनों की वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से बाय करें, आपके प्रोजेक्ट में कोई भी इशू आ जाता है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेंगे, ये चीज़ मेरी नहीं चल रही, मेरी आर्डिनो रसबरी पाई की नहीं चल रही, या मेरा पाइथन का प्रोग्राम है, या मेरा एसक्यूएल में डेटाबेस में डाटा नहीं जा रहा, तो ये सारे इश्यूज इस तरह के मैं रिजॉल्व कर दूंगा आपको। मेरी दूसरी वीडियोज भी हैं जिसमें मैंने शालमी मार्केट का विजिट किया और एलईडी बल्ब बिजनेस के बारे में बताया और उसके मसले हल किए, उसे भी लाजमी देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।